हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया वीडियो लेकर के आपके पास पहुंचे। हम लोग पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस का खोज कैसे हुआ। हमने ये पढ़ा कि रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल कैसे दिए। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कैसे चक्कर लगाता है, सारा चीज हम लोग पढ़े। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा जाए। आज सम ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 8, 18, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। Cl 17 यानी एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35। Cl एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37, यानी कि इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। ऐसे को हम लोग बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं आइसोटोप। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं। एक को बोलते हैं 1-1, एक को बोलते हैं 1-2, जिसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। ड्यूटेरियम एक बोलते हैं ट्रिटियम, यानी कि उसको ट्रिटियम से बोलते हैं। ड्यूटेरियम को आप ऐसे डी भी लिख सकते हो और ट्रिटियम को टी लिखते हैं। 1-3 यानी कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यानी आइसोटोप हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होंगे? तो 3 होंगे। कौन कौन सा? एक ट्रिटियम यानी कि एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। आप यहां पे थोड़ा सा समझें, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, 1, 1। मास नंबर क्या होगा? 1, 2, 3। मास नंबर, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z, यानी कि 1-1=0। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा। 2-1=1, यानी इसमें ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होगा। और इसमें 3-1=2। और ये आपको बता दें कि रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। हमने बताया था कि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि इसका रेशियो एन और पी का रेशियो क्या है? 1.5 से ज़्यादा है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जिसका भी रेशियो, जिसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाता है, यानी एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1.5, तो 1.5 से ज़्यादा हो जाने से वो रेडियो एक्टिव नेचर का हो जाता है। इसलिए ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का है। पहले आप इसे नोट कर लें। अगला देखा जाए, आइसोबार। आइसोबार देखा जाए, आइसोबार क्या है? आइसोबार क्या है? देखिए आप, ये
आर्गन 18, 40, पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40। देखिए ये क्या है, ये आर्गन का एलिमेंट है, आर्गन का एटम है, ये पोटेशियम का एटम है और ये कैल्शियम का एटम है। ये तीनों एलिमेंट भी डिफरेंट है और उन डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम है, लेकिन इनमें क्या है कि इनका मास नंबर क्या है, सेम है। इनका मास नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, तो देखो बाबू, अब हम लोग बात करें आइसोबार का। देखो आइसोबार क्या है, ये देखिए एलिमेंट तो डिफरेंट है, आपको नजर आ रहा है एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन इन एलिमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर सबका क्या होगा, सेम हो तो ऐसे को क्या बोलोगे, आइसोबार। इसका मतलब डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर बट हैव डिफरेंट but have different atomic number, is called isobar। यानी isobar के लिए दिमाग बैठा ले बेटा, आइसोबार के लिए यहाँ पर मास नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर तो ऐसे भी डिफरेंट हो जाएगा जब डिफरेंट एलिमेंट कह दिया जाए, तो आप ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर कहें या नहीं कहें, अगर डिफरेंट एलिमेंट कह दिए तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो अपने आप डिफरेंट हो गया। अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया लेकिन डिफरेंट हो गया, मास नंबर सेम हो तो ऐसे क्या कहेंगे, आइसोबार। आप इसे नोट कर लो। अब बात करें आइसोटोन का। आइसोटोन देखिए आइसोटोन में क्या है, N7 15, O8 16। अभी बताओ, अब यहां पे बात करना है कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर 6 है, यहां पे 7 है, यहां पे 8 है। मास नंबर क्या होगा, ये जेड ए 14 15 16। अब बाबू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, यहां पे ए माइनस जेड देखा जाए तो यहां पे 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8,
16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यानी इन लोगों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, वो सेम हो। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे कहेंगे आइसोटोन। उसे क्या कहेंगे, आइसोटोन। यानी कि मतलब डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन। यानी कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। जिसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो उसे क्या कहेंगे, आइसोटोन। आप लोग पढ़े आइसोबार, आप लोग पढ़े आइसोबार, आइसोटोप एंड आइसोटोन। अगला पॉइंट ले, पहले आप इसे नोट कर लें। अगला पॉइंट ले, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज तो सीखा जाए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिज क्या है। आप इसको देखें थोड़ा सा, n माइनस थ्री ओ माइनस टू एफ माइनस एन ई एन ए प्लस एम जी प्लस टू एल प्लस थ्री। तो ऐसा देखा जाए इसमें क्या है बाबू, देखो यहां पे समझो, ऐसे समझा जाए इस जनरल एग्जांपल से। आपको हमने क्या बताया, जितना प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जितना प्रोटॉन अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन हो तो दे आर न्यूट्रल, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और ऐसे को बोलेंगे न्यूट्रल। जब कब, जब जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा। यानी कि ऐसे कहा जाए, हम लोग अपने देहाती भाषा में, जितना अगर भैया है अगर उतनी भाभी रहे तो ना तो भैया बंडा रहेंगे ना तो भौजी अकेले रहेगी, सब न्यूट्रल होंगे। अगर किसी कारण से एक एक्स्ट्रा भाभी आ गई तो क्या होगा, ये भैया न्यूट्रल, एक्स्ट्रा भाभी आ गई। तो जब एक्स्ट्रा भाभी हो गई तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। इसका मतलब कि एक्स्ट्रा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो एक नेगेटिव चार्ज, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो दो नेगेटिव चार्ज, अगर तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो
तो तीन निगेटिव चार्ज। कहने का मतलब कि जितना प्रोटॉन होगा उससे जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जैसे तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन 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 निगेटिव चार्ज है तो तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन जितना होगा उससे तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे दो है तो जितना प्रोटॉन होगा उससे दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे एक निगेटिव है तो जितना प्रोटॉन होगा उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? अगर ऐसा हो जाए कि एक इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यानी कि एक अगर तुम्हारी भाभी भाग गई तो क्या होगा? जितना भैया उतना भौजी, तो न्यूट्रल हो गया। ये भैया भौजी न्यूट्रल, 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 लेकिन एक भैया बंडा रह जाएंगे। एक भैया क्या रह जाएंगे? बंडा रह जाएंगे, और वो बंडा पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर बाय द वे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो दो पॉजिटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो तीन पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है तो निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया तो पॉजिटिव चार्ज। यहां पे अब समझा जाए, देखिए यहां पे एटॉमिक नंबर सबका, एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब एटॉमिक नंबर इतना है तो आप बताओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? तो हमने क्या बोला कि जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होगा? अब यहां पे बात करें कि तीन निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना प्रोटॉन होना चाहिए उससे ज्यादा है तीन इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या 7 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 7 + 3 यानी 10। उसी तरह से यहां पे दो निगेटिव चार्ज है तो 7, 8 + 2, 10। यहाँ पे 9 और 1, 10। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। तो उस केस में क्या होगा कि 10 है तो 10 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर समझ में आया? अगला है यहाँ पर प्लस है। तो प्लस क्या है कि प्लस होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 11, लेकिन एक प्लस है तो 10 हो जाएगा। दो है तो 10, तीन है तो 10। इसका मतलब जितना प्रोटॉन होगा, जितना क्या होगा? प्रोटॉन होगा, उसी को प्लस हो गया तो उतना इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और माइनस हो गया तो इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये देखें सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है,
सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। ऐसा केमिकल स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होता हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे, यानी कि द केमिकल स्पेसीज, द केमिकल स्पेसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यानी किसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहेंगे, यानी वैसे केमिकल स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब पहले आप इसे नोट कर ले, जिसमें देखिए सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, चाहे एन माइनस थ्री हो, चाहे ओ माइनस टू हो, चाहे एफ माइनस हो, चाहे एन ई हो, चाहे एन ए प्लस हो, चाहे एम जी प्लस टू हो, चाहे एल प्लस थ्री हो, सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आप पहले से नोट कर लें, अब हम लोग एक पॉइंट और देखा जाए, आइसो डायफर्स। आइसो डायफर्स तो सर आइसो डायफर्स देखा जाए, इसमें देखा जाए यूरेनियम 92 235, थोरियम 90 231, देखा जाए आइसो डायफर्स। अब बताएं एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर कैसा होगा, तो 92 90 जेड मास नंबर बोले, मास नंबर बोले 235 231, ठीक है। ए नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, बोले तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये तो हम लोग बात कर चुके, कब से बात कर रहे हैं, यानी 92 और 90। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोले,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोले एन बराबर ए माइनस जेड, यानी कि 235 माइनस 91 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 3। ठीक है, और यहां पे कितना होगा? 14। ठीक है, सॉरी 12। 235 92। 3 13 में से 9 गया, 9 4 13 1 43। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोले 231 माइनस 90 इज इक्वल टू 141। अब बोले बाबू डिफरेंस ऑफ एन एंड पी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होगा? यानी कि 143 माइनस 90 इज इक्वल टू 3। 2 यहां पे क्या होगा? 3 और यहां पे क्या होगा? 141 माइनस 90 सॉरी यहां 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 143 है और प्रोटॉन है 92, यानी दोनों का डिफरेंस 51। और यहां पे भी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 51। इसका मतलब कि दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो कितना है? 51 है। ऐसे एलिमेंट को आइसोडायफर कहेंगे जिसमें डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होगा? सेम, यानी डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम difference of न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड आइसोडायफर्स। तो बाबू आप लोग आज का क्लास में आपने समझा होगा एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे, मास नंबर किसे कहेंगे, आइसोटोप किसे कहे होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आइसोबार किसे कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे कहेंगे, आइसोटोन किसे कहेंगे, आइसोडायफर्स किसको कहेंगे। आज का क्लास में इतना ही बाबू। आप लोग वीडियो को देखें, नोट करें और बार बार रिविजन करें वीडियो के द्वारा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि अगला जैसे हम अगला वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू।